वेलकम टू टेक ओवर चैनल। दोस्तों आपको पता होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा मॉडल के इंडियन वर्जन में एक्सिनोस 990 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जबकि यूरोप मॉडल में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। और स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट एक्सिनोस 990 से बेहतर है। और आपको शायद पता होगा कि एक्सिनोस 990 प्रोसेसर में कुछ कमियां हैं, इसी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा मॉडल में हाल ही में बैटरी कम चलना, ऑटो फोकस जैसे इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों 1,02,000 रुपीज़ देने के बाद में हमें एक परफेक्ट डिवाइस नहीं मिलता है, और यूरोप में वही डिवाइस परफेक्ट हो जाता है तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। दोस्तों सैमसंग के एक्सिनोस 1000 प्रोसेसर में आपको माली जीपीयू की जगह आपको एएमडी का जीपीयू देखने को मिल सकता है, वो भी उनके खुद के आरडीएनए आर्किटेक्चर पर बना हुआ। लीक्स के हिसाब से यह गैलेक्सी S21 में सबसे पहले देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सिनोस 990 को रिप्लेस करके सैमसंग अपने नोट 20 में एक अपग्रेडेड प्रोसेसर 992 यूज़ करने वाला है। लीक्स तो यह भी कहते हैं कि यह प्रोसेसर 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना होगा और गैलेक्सी नोट 20 में अपग्रेडेड जीपीयू भी काम में लिया जाएगा। कुछ लीक्स के हिसाब से दोस्तों सैमसंग और एएमडी के पार्टनरशिप में बना यह प्रोसेसर सैमसंग के निंटेंडो स्विच कंसल में काम लिया जा सकता है। एएमडी का ये जीपीयू स्नैपड्रैगन के एंड्रॉयड 650 जीपीयू को 15% से पीछे छोड़ देता है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, और जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।